हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है स्टेयर, और स्टेयर के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी टाइप कवर करेंगे, उनके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं वो सभी ऑप्शंस कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाला है, काफ़ी ड्यूरेशन इस वीडियो की रहने वाली है। इसमें लगभग हम सभी ऑप्शन जो स्टेयर के अंदर हैं वो सभी ऑप्शंस हम कवर कर लेंगे। बट उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेयर हमें मिलेगा यहाँ पे अंडर आर्किटेक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है स्टेयर। तो जैसे ही आप स्टेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टाइप क्लियर कर देता हूँ। रेविट आर्किटेक्चर में आप तीन तरीके से स्टेयर बना सकते हैं, असेंबल्ड स्टेयर, कास्ट इन प्लेस स्टेयर एंड प्री कास्ट स्टेयर। तो यहाँ पे कास्ट इन प्लेस स्टेयर के अंदर आपको मिलेगा मोनोलिथिक स्टेयर, और असेंबल्ड स्टेयर में आपको मिलेगा यहाँ पे 7 इंच मैक्सिमम राइजर और 11 इंच ट्रेड, और प्रीकास्ट के अंदर आप प्रीकास्ट स्टेयर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये होता क्या है, किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले भी हमने ऑन किया हुआ है यहाँ पे असेंबल्ड स्टेयर। तो असेंबल्ड स्टेयर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रेट स्टेयर बना सकते हैं, फुल स्टेप स्टेयर बना सकते हैं, सेंटर एंड स्पायरल बना सकते हैं, एल शेप बाइंडर बना सकते हैं और यू शेप बाइंडर बना सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे स्केच, मतलब क्रिएट स्केच। आप अपनी तरफ से मैन्युअली कोई भी शेप जो आपको अच्छी लगती है, जो डिज़ाइन आपने कंसिडर करना चाहते हैं, वो डिज़ाइन आप इसके थ्रू बना सकते हैं। तो वन बाई वन सभी ऑप्शंस को हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ से लोकेशन लाइन है हमारे पास, लोकेशन लाइन हम सेंटर ही रख के चलते हैं अभी। लाइक मैं आपको सेंटर से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अभी हमारा जो लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर है। अगर यहाँ से हम करते हैं इसे लेफ्ट, तो ऑटोमेटिकली हमारी स्टेयर बनेगी लेफ्ट की साइड में। अगर हमें इसे करना है राइट, तो हमारी स्टेयर बनेगी यहाँ पे राइट की साइड में। तो यहाँ पे ये हो गया लोकेशन लाइन। उसके बाद अगर आप इसमें डिस्टेंस रखना चाहते हैं, लाइक हमने 2 फीट किया, तो जहाँ पे भी आप बनाएंगे उससे 2 फीट बाहर आपकी स्टेयर यहाँ पे आपको विजिबल होगी। तो इसको हम रखेंगे 0। और उसके बाद ऑप्शन आता है एक्चुअल रन विड्थ। यहाँ पर आप स्टेयर की विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, लाइक हम रखना चाहते हैं 5 फिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो स्टेयर है वो 5 फिट यहाँ पे अपीयर होगा। स्टैंडर्ड हम 3 एंड 3.5 रख सकते हैं, तो मैंने 3.5 रखा। और यहाँ पे अभी ये किस तरह से यहाँ पे फुल स्टेयर आप बना सकते हैं, हाफ रखेंगे तो कितना बनेगा, फुल बाहर जाएंगे तो ये बाहर क्यों नहीं शो कर रहा है, उसके पीछे गाइस रीज़न क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर प्रॉपर्टी एक कंस्ट्रेंट का ऑप्शन होता है, जिसमें बेस लेवल है लेवल 1 और टॉप लेवल है लेवल 2। मतलब आपकी जो स्टेयर शुरू हो रही है वो लेवल 1 से शुरू हो रही है, और यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे हाईलाइट हो रही है हमारी ट्रेड, वो है टॉप लेवल पे। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद यहाँ से जैसे ही आप एलिवेशन ऑन करेंगे, नाउ यू कैन सी कि लेवल 1 से लेके लेवल 2 तक ये आपके पास फुल स्टेयर जो है वो बन चुकी है। अगर हम इसे 3D में चेक करते हैं, सो इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हम व्यू चेंज कर लेते हैं, इसे हमने किया यहाँ से कंसिस्ट कलर, नाउ यू कैन सी। तो अब इस वीडियो में आगे धीरे धीरे मैं आपको रेलिंग के बारे में पूरी डिटेल दूंगा, इसी से रिलेटेड स्टेयर में कैसे आप एडिट कर सकते हैं, नॉइजिंग के अंदर, ट्रेड के अंदर, उसके अलावा राइजर में, स्ट्रिंजर के अंदर, तो सारी डिटेल हम आगे धीरे धीरे देखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, अगर आप स्ट्रेट बनाना चाहते हैं लेकिन आपकी हाइट जो है वो कम है, मतलब लेवल 2 तक नहीं है, तो आप यहाँ से लेवल खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मुझे यहाँ से लेवल 2 तक नहीं जाना है, बट मुझे पोर्च तक जाना है और मेरे पोर्च की हाइट है 7 फिट, तो यहाँ से मैं एक लेवल क्रिएट करूँगा और यहाँ से हम रख सकते हैं इसे 7 फीट। तो हमने 7 फीट डिफाइन किया, और यहाँ से जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लेवल 3 आ गया है। इसे आप डबल क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं। मैंने इसे किया PL, मैंने इसे पोर्च लेवल नाम दे दिया एंड देन किया यस। तो ये हाइट आ चुकी है। अब लेवल 1 से मुझे एक स्टेयर बनानी है जो कि पोर्च लेवल तक है, तो यहाँ से मैंने स्टेयर पर क्लिक किया, यहाँ से मुझे अगेन स्ट्रेट चाहिए स्टेयर, और मैंने यहाँ से देखिए आ गया टॉप लेवल PL, बाय डिफ़ॉल्ट इसने कंसिडर किया है, और हाइट है इसकी 7 फीट। जब आप इसे यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं डिज़ायर्ड नंबर कितने आएंगे इसमें, 12, जबकि टॉप तक डिज़ायर्ड नंबर थे हमारे 18।
तो यहाँ से जैसे हम शुरू करते हैं, मान लीजिए यहाँ से मैंने शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली अब ये मुझे सेंटर में लेना है, तो मैंने किया सेंटर रन को, ये देखिए, एंड देन यहाँ से हम कर देते हैं ओके। तो जैसे हम यहाँ से 3D में चेक करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जो हमारी हाइट है, वो हाइट जैसे मैं एक फ्लोर क्रिएट कर देता हूँ लेवल 2 के ऊपर, यहाँ से थोड़ा और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। यहाँ से मैंने एक फ्लोर क्रिएट किया, ये देखिए, सपोज ये मेरा फ्लोर है इस तरह से ओके, ये लेवल 2 के ऊपर है। इसी तरह से मैं एक पोर्च लेवल पे भी फ्लोर बना लेता हूँ, ताकि किस तरह से कनेक्ट हो ये चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो जाए। ये देखिए, जैसे हमने ओके किया, नाउ बेस लेवल मेरा कॉमन है, तो यहाँ से मैं लेवल 1 पे भी एक फ्लोर बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने फ्लोर बनाया, इसको मैं थोड़ा बड़ा रख लूँगा इस तरह से, एंड देन ओके। सो जैसे आप क्लिक करेंगे तो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से, और आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर तक स्टेयर प्रॉपर बना है, यहाँ से ग्राउंड फ्लोर से और पोर्च लेवल तक भी जो मेरा फ्लोर है वो प्रॉपर बना है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये तो है स्ट्रेट स्टेयर। नाउ अगेन नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आता है स्टेयर के अंदर मेरे पास, यहाँ से आप देख सकते हैं फुल स्टेप स्पायरल। तो अगर मुझे फुल स्टेप स्पायरल शेप बनानी है, तो इसके लिए मुझे क्लिक करना होगा, उसके बाद कहाँ से मुझे शुरू करना है, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया, तो अब इसमें कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं और कहाँ पे आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं। लाइक इस तरह से हम बता सकते हैं कि मेरा जो स्टार्ट लेवल है वो स्टार्ट लेवल क्या है, और जो मेरा एंड लेवल है वो मेरा एंड लेवल क्या है। तो यहाँ से मान लीजिए मैंने शुरू किया, अभी यहाँ से हाइट देखिए कहाँ तक है, हाइट है मेरी पास पोर्च लेवल तक, मैं इसे कर देता हूँ लेवल 2 तक, तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे ये एंड हो गया, इसे सेलेक्ट करके मैं मूव भी करा सकता हूँ, तो मुझे मूव कराना है ये यहाँ से यहाँ पे, ये मैंने मूव कराया एंड देन मैंने ओके किया। सो वंस आई क्लिक ऑन ओके, नाउ अभी आप देख सकते हैं यहाँ से ये ग्राउंड फ्लोर से मूव होते हुए जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक ही ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं रेलिंग को हटा देता हूँ, ये देखिए, तो ये ग्राउंड फ्लोर से बिल्कुल शुरू हुआ है और यहाँ से ये जा रहा है हमारा फर्स्ट फ्लोर तक लेवल 2 तक। इसको एलिवेशन से चेक करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पहले हम सभी शेप को क्लियर करेंगे, फिर मैं दूसरे टाइप पे भी आऊँगा और फिर डिटेल में भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ से हम लेवल 1 पे आते हैं दोबारा से, और यहाँ से अगेन मैं क्लिक करता हूँ स्टेयर के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है यहाँ पे सेंटर एंड स्पायरल, ये सेंटर से बनेगा और एंड से स्पायरल शेप हम बना सकते हैं। सेंटर पॉइंट है, ये देख सकते हैं, यहाँ से ये मेरा स्टार्ट पॉइंट मुझे कहाँ रखना है, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, और यहाँ से कहाँ तक रखना है, देखिए फुल नहीं बन रहा है। अगर मान लीजिए मुझे जितनी भी हाइट तक रखना है वो हाइट मैं यहाँ से कंसिडर करवा सकता हूँ, मान लीजिए मुझे सिर्फ इतना ही रखना है, तो आप देख सकते हैं सिर्फ जितना आप डिफाइन करेंगे उतना ही बनेगा, एंड देन ओके। सो वंस यू क्लिक ओके, तो जितनी भी हमारी हाइट है स्पायरल के अंदर मुझे जितना भी देना है, पूरा लेवल 2 तक नहीं जाना है, बीच में कहीं तक भी रखना है, तो मैं आर्क फॉर्म यूज़ करूँगा यहाँ पर स्पायरल में, ओपन शेप इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट शेप आती है मेरे पास, यहाँ से मैंने क्लिक किया, ये मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एल शेप और यू शेप, तो एल शेप के अंदर ये काफ़ी वाइडली यूज़ होता है। एल शेप में अगर मुझे स्पायरल बनाना है, मतलब स्टेयर बनाना है, तो मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से इस तरीके से आपके पास यहाँ पर स्टेयर जो है वो अपीयर होगी, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ऊपर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मिरर प्रीव्यू, तो यहाँ से मैं मिरर कर देता हूँ प्रीव्यू को, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने रखा, तो देखिए मिरर हो गया है, जो साइड है वो हमारी फ्लिप हो गई है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली जो स्टेयर है मेरा वो एल शेप में बन जाएगा। अब ये जो हाइट है, ये हाइट है पोर्च लेवल तक। अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ से और हाइट को मैं कर देता हूँ लेवल 2 तक, उसके बाद मैं ये शेप लेता हूँ एल शेप, तो आप देखेंगे इसकी हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। एंड देन फाइनली आई क्लिक ऑन ओके। सो वंस आई क्लिक ओके, तो यहाँ पे आप ये शेप देख सकते हैं।
ज़्यादा क्लियरली देखना है तो लेवल से देखें, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आ गया अप एंड यहाँ पे हमारा है टॉप। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं एल शेप के अंदर, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें कस्टम कैसे करना है, अपने तरफ से डिज़ाइन कैसे बनाना है, वो हम आगे इसमें क्लियर करते रहेंगे। आगे इस पूरा वीडियो काफ़ी बड़ा वीडियो होने वाला है, तो इसमें मैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करता रहूँगा। देखिए नेक्स्ट और लास्ट शेप की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है यू शेप। तो अगर यू शेप में हमें बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये देखिए मान लीजिए हमें यहाँ से रखना है लेवल, कहाँ तक जाना है, टू तक। पोर्च लेवल तक तो यू बन ही नहीं रहा है, तो हमने लेवल टू किया, नाउ ये अपीयर हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो ये मैं यहाँ रख लेता हूँ एंड की साइड में, एंड यहाँ से ये मैंने डिफाइन कर दिया। सो डिफाइन करने के बाद यहाँ से ओके किया, और अगर फ्यूचर में आप इसे मूव भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट मूव टूल से लेवल पे जाके आप कभी भी इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके डेस्टिनेशन को अगर आपको चेंज करना है तो इजीली आप इसे चेंज कर पाएंगे। ये देखिए मुझे कनेक्ट करना है तो मैंने मूव किया, ये जो पॉइंट है मुझे इस पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो आप देखेंगे ईजिली कनेक्ट हो गया है एंड देन 3D, तो ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से अगर मुझे इसके डायरेक्शन को फ्लिप करना है सो मैं इजीली इसके डायरेक्शन को भी फ्लिप कर सकता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसे एरो पे क्लिक करके इसे फ्लिप कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ से ये अप दिखा देगा और इस तरह से यू शेप में आ जाएगा। फ्लोर के साथ मुझे प्रॉपर कनेक्ट करना है, अगेन मैंने सेलेक्ट किया इसे और सेलेक्ट करने के बाद मूव किया, यहाँ से मुझे रखना है प्रॉपर कॉर्नर पे, तो मैंने डिफाइन कर दिया ये वाला कॉर्नर। यहाँ से मैं इस स्टेयर को थोड़ा मूव कर देता हूँ, ये मैंने इसे मूव किया और यहाँ से मैंने किया फिनिश। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से, तो ये प्रॉपर यू शेप के अंदर जो है मेरी स्टेयर बन चुकी है। नाउ अभी शेप को लेकर के सारे ऑप्शंस हमारे क्लियर हो गए हैं, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। शेप अगर आपको किसी भी तरह की बनानी है किसी भी लेवल पर तो आप इजीली शेप को बना सकते हैं। तो डायरेक्टली उसके लिए क्या करना है, आपको स्टेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी शेप आपको पिक करनी है वो शेप आप इजीली यहाँ से पिक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है विच इज़ क्रिएट स्केच, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज अगर कोई भी आप ऑटोकैड से या स्केचअप से कोई भी रेफरेंस अगर आप स्केच अगर आप इंसर्ट कराते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, फाइल 2D में आप इंसर्ट कराते हैं, तो कैसे आप बाय डिफ़ॉल्ट आप एग्जिस्टिंग स्केच को ही ट्रेस करके स्टेयर बना सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इसकी हेल्प से, क्रिएट स्केच की हेल्प से आप कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम लेवल 1 पे आते हैं, स्टेयर को मैं क्लोज करता हूँ, एक रेफरेंस यहाँ से हम बना लेते हैं। रेफरेंस आप किसी भी तरह का बना सकते हैं और ये हम मॉडल लाइन से भी बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे डिटेल लाइन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो जैसे एनोटेशन में गए डिटेल लाइन मैंने लिया, तो जो भी रेफरेंस आप बनाना चाहें वो रेफरेंस आप ईजिली बना सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से और यहाँ पे इसकी जो विड्थ है ये मैं रख लेता हूँ 3.5 फिट, इसकी भी हाइट में रख लेता हूँ 3.5 फिट, इस तरह से। अभी मुझे कॉर्नर को कनेक्ट करना है तो मैं एजेस को रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ से मुझे कितने नंबर ऑफ राइजर चाहिए लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए, तो आपने देखा था डिज़ायर नंबर थे 18, तो जितनी भी मेरी हाइट है लेवल 2 तक, अगर मैं यहाँ से 8 इंच या 11 इंच रखता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे गए अगेन एनोटेशन, यहाँ से मैंने डिटेल लाइन लिया, यहाँ से मैंने क्लिक किया सिलेक्शन पे, ऑफसेट में ले लेता हूँ यहाँ से 11 इंचेस, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये मैंने जहाँ पे मेरे 18 नंबर होंगे वहाँ पे मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। तो अगेन एनोटेशन, सेलेक्ट, ऑफसेट 11 इंचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये हो गया 18। सो वंस जैसे ये 18 हो जाता है मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से एंड यहाँ पे, ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। सो गाइज अभी आप अगर इसे 3D में देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ भी अपीयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे लाइन जो है हमारी डिटेल लाइन जो है वो अपीयर नहीं हो रही है। तो
अब यहाँ पे मुझे स्टेयर बनाना है सेम रेफरेंस से, तो क्या करेंगे सी, उसके लिए आपको अगेन यहाँ पे स्टेयर पे जाना है। अब ये स्केच जो विजिबल नहीं हो रहा था, ये वीजी में जाके आप स्केचेस को अपीयर करा सकते हैं, तो 3D में भी अपीयर होगा। अब यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ से क्रिएट स्केच। जैसे ही आप क्रिएट स्केच पे क्लिक करेंगे तो तीन चीज़ें यहाँ पे अपीयर होगी, बाउंड्री, राइजर और स्टेयर पाथ। तो अब कोई भी स्केच जब हम बनाते हैं तो तीनों का इस्तेमाल होता है। जो स्ट्रिंजर हमारा क्रिएट होता है वो बाउंड्री के हेल्प से होता है, जो स्टेप्स हमारे बनते हैं वो राइजर की हेल्प से बनते हैं, और जो शेप हम देते हैं कंटिन्यूस वो हम स्टेयर पाथ की हेल्प से देते हैं। तो सबसे पहले मैं बाउंड्री को करता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से अब देखिए यहाँ से अगर आपको राउंड लेना है तो आप इसे राउंड भी कर सकते हैं। मैं इसे बैक करता हूँ जस्ट, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ राउंड। तो जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से अगेन एनोटेशन डिटेल लाइन, यहाँ से मैंने फिलेट किया, तो जितना भी मुझे करना है वो मैं स्केच यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ। ये देखिए जितना मुझे यहाँ से करना है वो मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ लाइक दिस। तो इस तरीके से मैंने बेंड भी दे दिया है यहाँ पे। नाउ गो टू स्टेयर, यहाँ से मैं लेता हूँ ऑप्शन क्रिएट स्केच, एंड देन यहाँ से मैं लेता हूँ पिक लाइंस। तो पिक लाइन में सबसे पहले मुझे बाउंड्रीज को पिक करना है, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो ये तो मेरी बाउंड्रीज हो गई, बाउंड्री का काम बस इतना ही था। फिर मुझे राइजर को सेलेक्ट करना है, अगेन पिक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1, अब ये देखो रिमेनिंग नंबर भी दिखा देगा यहाँ पे, 11 रिमेनिंग है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसके हिसाब से मतलब ये आई थिंक हमने जो सेलेक्ट किया था ये पोर्च लेवल के हिसाब से दिखा रहा है, जो मेरी स्टेयर यहाँ पे बनने वाली है तो ये पोर्च लेवल के हिसाब से डिज़ायर्ड नंबर ले रहा है, तो इसके हिसाब से 11 है। तो यहाँ तक देखो, जैसे ये ज़ीरो हो जाएगा, जैसे ज़ीरो रिमेनिंग हो जाएगा वहीं तक आपको ये क्रिएट करनी है। अगर मैं इसे आगे बढ़ता हूँ, लाइक मैंने इसे आगे बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे माइनस हो रहा है, मतलब ये अपने लेवल से ऊपर चला जाएगा। अगर ये पोर्च लेवल है तो पोर्च लेवल से ऊपर चला जाएगा। उसके बाद मुझे देना है पाथ, तो पाथ आप दे सकते हैं यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से स्ट्रेट, और इसके बाद यहाँ से आप कर सकते हैं इसे कनेक्ट, और उसके बाद आप यहाँ से इसे कर सकते हैं बेंड। तो मुझे लगभग लगभग जो स्टेयर पाथ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए मैंने कंप्लीट अपना कर दिया है, एंड देन मैंने ओके किया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी स्टेयर यहाँ पे बन चुकी है। 3D में मैं इसे चेक करा देता हूँ आपको। ओके, तो जैसा हमने रेफरेंस बनाया था 2D के अंदर, सेम मतलब एब्सोल्यूटली करेक्ट शेप हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। यहाँ पे बेंड का थोड़ा सा एरर है जिस वजह से शेप आपको इस तरह से दिख रही है, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। बट ऑल एंड ऑल आप देख सकते हैं जो शेप हमने कस्टम शेप के थ्रू, अगर हमें कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो हम इजीली बना सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो कस्टम शेप है वो कस्टम शेप हमने डिज़ाइन कर ली है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कस्टम तो आप बना ही सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं, एल शेप में बना सकते हैं, एस शेप में बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप कस्टम बना सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर मान लीजिए ये मैंने स्ट्रेट बनाया है और इसी को मुझे यहाँ से राउंड देना है, मतलब हल्का सा स्टार्ट से मुझे थोड़ा कम गैप रखना है और आर्क शेप में मुझे शेप को बढ़ाते हुए जाना है आगे, तो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में मुझे चेंज करना है, मतलब कंपोनेंट को इन प्लेस कंपोनेंट की तरह मुझे एडिट करना है। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एडिट स्टेयर पे, और इसको दोबारा सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे कन्वर्ट। सो वंस यू क्लिक ऑन कन्वर्ट, देन योर कॉम्पोनेंट विल कन्वर्ट इन टू स्केच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट स्केच का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल बिहेव करेगा आपके कस्टम शेप की तरह। अब यहाँ पे आप बाउंड्री देख सकते हैं, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से बाउंड्री पे, यहाँ से मैंने किया आर्क, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे चाहिए कुछ इस तरह का, तो ये मैंने क्लिक किया। उसके बाद सेम मुझे दूसरी तरफ चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसे मिरर करा दिया सेंटर से, ये मिरर हो गया। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इसे राइजर को कनेक्ट करें बाउंड्री के साथ, आप ओपन भी छोड़ सकते हैं, बस आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है। सो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन आप यहाँ पे डिज़ायर्ड आपका रिजल्ट था वो डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आपकी शेप जो है वो आर्क शेप में बाउंड्रीज जो हैं वो बन जाएंगी। ये देखिए, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको रेलिंग के अंदर चेंज करना है, देखिए कंपोनेंट जितने तरीके से बना सकते थे वो सारे कंपोनेंट स्टाइल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। फ्लिप करना हो,
इन केस अगर मान लीजिए आपकी रेलिंग रिमूव हो जाती है स्टेयर पे से, इस तरह से ये रिमूव हो जाती है, तो वापस से अगर आप इसे कंसिडर करना चाहते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन केस अगर मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है रेलिंग को, अभी वहाँ उस फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, ग्राफिकल इशू है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ये स्टेयर मेरे पास है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंजर को हाइड किया हुआ है, अभी इस स्ट्रिंजर पे मुझे यहाँ पे रेलिंग को शो करना है, तो आर्किटेक्चर में अंडर रेलिंग आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्लेस ऑन स्टेयर एंड रैम्प। तो डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे ट्रेड पे चाहते हैं स्ट्रिंजर पे, मान लीजिए मैं स्ट्रिंजर पे चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी रेलिंग जो है वो इस स्ट्रिंजर के ऊपर बन जाएगी इस तरह से। और अगर मुझे ये स्ट्रिंजर की बजाय ट्रेड पे चाहिए होती तो यहाँ से रेलिंग के अंदर मेरे पास ऑप्शन है अवेलेबल ट्रेड, तो जैसे आप ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो आपकी रेलिंग है ट्रेड के ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइक अगर आपको यहाँ पे रेलिंग का स्टाइल भी चेंज करना है तो सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्लास पैनल का, तो आप इसे इस तरह से ग्लास पैनल भी रख सकते हैं ये देखिए। उसके अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे रेविट के अंदर रेलिंग के, बाकी और ऑप्शंस आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट से या फिर फैमिलीज़ में भी आपको मिल जाएंगे। तो सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर आपको पाइप में गार्डरियल शेप चाहिए तो आप गार्डरियल फॉर्म भी रख सकते हैं, यहाँ से रेक्टेंगुलर में गार्डरियल चाहिए तो रेक्टेंगुलर में भी आप रख सकते हैं, हैंड्रल में पाइप चाहिए तो ये मैंने ग्लास रखा, तो इस तरह से ही मेरी रेलिंग को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद गाइज हम फिर और ज़्यादा डिटेल में आते हैं अगेन, और यहाँ पे जो हम शेप्स के ऊपर काम कर रहे थे, यहाँ पे अगर मुझे एडिट करना है, यहाँ पे मुझे ट्रेड में एडिट करना है, राइजर में एडिट करना है, तो वो मैं एडिट कैसे कर सकता हूँ, तो शेप बनाने के जितने भी ऑप्शंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट प्रीकास्ट की स्टेयर बनाना चाहते हैं तो स्टेयर पे क्लिक करें, और अगर आप मल्टीपल लेवल पे क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मोनोलिथिक स्टेयर, और अगर आप यहाँ पे प्रीकास्ट में बनाना चाहते हैं तो प्रीकास्ट स्टेयर, तो प्रीकास्ट स्टेयर पे क्लिक करेंगे, सेम वही स्ट्रेट स्टेयर है बट आपको किस में मिलेगा, मटीरियल इसका जो है वो प्रीकास्ट होगा, ये आप मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से रियलिस्टिक करते हैं ये देखिए, तो इसका मटेरियल बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रीकास्ट मिलेगा जबकि ये हमारा जेनेरिक है मतलब कॉन्सेप्चुअल है। दूसरा, अगर मैं मुझे मान लीजिए एक फ्लोर से दूसरा और फिर तीसरे चौथे पांचवें फ्लोर के ऊपर लगातार मुझे मल्टीपल स्टेयर्स क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले लेवल क्रिएट कर लें, लाइक मैंने ये पोर्च लेवल हटा दिया यहाँ से, और इससे जुड़े हुए जितने भी फ्लोर्स हैं वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ये देखिए सारी डिटेल उससे जुड़ी हुई डिलीट हो चुकी हैं। अभी हम क्या करते हैं, मल्टीपल मल्टी स्टोरी स्टेयर बनानी है तो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले लेवल पे क्लिक करें, यहाँ पे पिक पाथ पे क्लिक करना है आपको, उसके बाद यहाँ से हाइट ले लेते हैं 10 फिट, और 10 फिट लेने के बाद यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये मैंने मल्टी लेवल्स बना लिए हैं। बनाने के बाद अभी मुझे एक फ्लोर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं लेवल 1 पे आता हूँ, और लेवल 1 पे आने के बाद यहाँ से मैंने एक फ्लोर लिया और यहाँ से फ्लोर को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने एक फ्लोर बना लिया इस तरह से, और मैंने ओके किया। फ्लोर बनाने के बाद इस तरह से लेके फ्लोर बन चुका है, अभी मुझे यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ से एलिवेशन पे, तो मेरा जो फ्लोर है वो हाईलाइट हो रहा है, तो इसे मैं सबसे पहले तो इसकी थिकनेस को मैं कम कर लेता हूँ, मैंने इसे कर लिया 7 इंचेस, ओके ओके, एंड देन यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ एरे, तो ये मेरे मल्टीपल लेवल पे चले जाएंगे, लाइक मैंने इसे करना है 7 लेवल पे, जो बेस है उसको ही मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो यहाँ से आपको मल्टी लेवल्स मिल गए इस तरह से। अब इससे कनेक्शन वाली स्टेयर्स हम कैसे बना सकते हैं, सी तो लेवल 1 पे मैं आता हूँ, यहाँ से मैंने लिया स्टेयर और यहाँ से मैंने लिया ऑप्शन यू शेप वाइंडर, मान लीजिए मैंने ये वाला शेप लिया है, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी मुझे स्टेयर चाहिए वहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ, मान लीजिए मुझे चाहिए लगभग यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अभी मेरा अपसाइड कौन सा है, डाउन साइड कौन सा है ये मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए ये मेरा अपसाइड है, अगर मुझे फ़्लिप करना है तो मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करके फ़्लिप भी कर सकता हूँ, सो ये मेरा अपसाइड हो जाएगा,
ये देखिए मेरा अपसाइड है एंड ये टॉप लेवल है। तो अब ये सेम चीज़ मुझे कट करनी है मेरे फ्लोर लेवल के अंदर, तो मैं एडिट बाउंड्री करूँगा यहाँ से और यहाँ से पिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और मैंने ओके कर दिया। तो अब ये जितने भी मेरे लेवल हैं, क्योंकि मल्टी स्टोरी अगर मैं बाद में करता हूँ तो मेरे सारे लेवल यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं इसे करता हूँ अगेन एलिवेशन, तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा बिल्कुल ग्राउंड लेवल है। तो मैंने एस से प्रेस किया तो जितने भी थे सारे सेलेक्ट हो गए, और मैं शिफ्ट के साथ इसे कर लेता हूँ अनसेलेक्ट, ये आप देख सकते हैं, और बाकियों को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब क्योंकि मुझे ये वाला लेवल चाहिए, ये वाला फ्लोर चाहिए, ये आपको मैं 3D में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला मुझे कंप्लीट चाहिए। तो एलिवेशन पे जाने के बाद यहाँ से मैंने इसे एरे किया और यहाँ से मैं कर लेता हूँ 7। तो अभी आप देखेंगे जो कट मैंने लगाया था एक में, वो सभी में कट लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं एक एक करके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से मैंने, ये देखिए ग्राउंड लेवल से और ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर तक ही ऑटोमेटिकली पूरा पूरा प्रॉपर कनेक्ट हो रहा है। सी अगर ये आपको मल्टीपल लेवल पे चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली स्टेयर को सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एलिवेशन पे जाइए, एलिवेशन पे हम आ गए हैं। तो सेम जैसे हमने फ्लोर को कॉपी किया था, सेम आप यहाँ पे एरे कर सकते हैं स्टेयर को भी, लेकिन एरे से नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन होता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ से पेस्ट में जाके आपको लेना है सेलेक्टेड लेवल। तो लेवल 2 से लेके और लेवल 8 तक आपको स्टेयर चाहिए, तो आपको सिंपली बस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एलिवेशन में, यहाँ पे मेरी स्टेयर्स आ चुकी हैं। मैं 3D में चेक करता हूँ तो ये देखिए सभी लेवल के ऊपर ऑटोमेटिकली विद इन अ सेकेंड आप यहाँ पे स्टेयर जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज ये बहुत ही ईजी तरीका है स्टेयर जनरेट करने के लिए। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अब हम चलते हैं डिटेल्स में। तो डिटेल्स के लिए अगर हम कोई भी स्टेयर को पिक करते हैं, मान लीजिए यहाँ से अभी आप अगर नॉइजिंग देखेंगे तो यहाँ पे नॉइजिंग नहीं है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो नॉइजिंग है, लेकिन नॉइजिंग का स्टाइल अगर चेंज करना है तो उस पर भी हम आएंगे। पहले मैं आपको ट्रेड राइजर और स्ट्रेंजर इनकी सेटिंग को कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए लाइक ये मेरे पास कोई भी स्टेयर है, यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया इसकी रेलिंग को। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसके राइजर का और ट्रेड का, ये मेरे पास ट्रेड है और ये मेरा राइजर है, इसका कलर मुझे बदलना है, जितने भी हैं सबका बदलना है। तो सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाइए। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन रूल है, कंस्ट्रक्शन है और सपोर्ट है, उसके अलावा यहाँ पे ग्राफिक्स हैं और आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में आप इस स्टेयर के बारे में जो भी डिटेल्स देना चाहें, मैन्युफैक्चरर के बारे में, मॉडल की नोट्स, टाइप इमेज, कोई आपको URL देना है, लाइक कोई ऑनलाइन कोई इमेज अवेलेबल है और आपने उसी की तरह कुछ बनाया है लेकिन आप उसको दिखाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसकी डिटेल में आप इसका URL दे सकते हैं और उसको हम चेक कर सकते हैं कभी भी, उसके बारे में कुछ भी डिस्क्रिप्शन, उसके कोड के बारे में। तो आप आइडेंटिटी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं सपोर्ट पे, बट सबसे पहले शुरू करते हैं कैलकुलेशन रूल से। अब जो स्टेयर हमने बनाई है उसका जो राइजर हाइट है वो है 7, ट्रेड जो डेप्थ है वो है 11 इंचेस और रन की विड्थ है यहाँ पे 3 फिट, मतलब 3 फिट विड्थ है, 11 इंचेस का मेरा ट्रेड डेप्थ है और 7 इंचेस की मेरी हाइट है। तो जैसे ही आप कैलकुलेशन रूल पे जाएंगे तो आप ये पूरा कैलकुलेशन रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हाइट मेरी 2 फिट 1 इंच होती है उसमें 2 मेरे ट्रेड कवर होते हैं और 1 मेरा राइजर कवर होता है, तब मेरी टोटल हाइट ये बनती है। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन में आता हूँ और रन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिलता है 2 इंचेस का ट्रेड और 1 इंचेस का नॉइजिंग और यहाँ पे राइजर। तो जैसे ही मैंने एडिट किया तो एक और पॉपअप खुल के आया यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपको मिलेंगी। सबसे पहले जैसे मैंने कलर की बात की तो ट्रेड का मटीरियल और राइजर का मटीरियल दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ट्रेड के मटीरियल पे, तो जहाँ पे आप अपना पैर रखते हैं वो ट्रेड होता है, तो उसका मटेरियल मुझे क्या चाहिए मैं यहाँ से डिफाइन कर सकता हूँ।
लाइक मैंने जो मटेरियल है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेरी ले लिया है, और जो मेरा राइज़र है जो सामने वाली जो आप बिल्कुल फ्रंट से देखते हैं स्टेयर को, तो जो सामने बिल्कुल आपको वर्टिकल हाइट दिखती है वो मेरी राइज़र है, तो वो मैंने ले लिया यहाँ से। ये मैं ले लेता हूँ कंक्रीट, ओके। एंड अभी सिर्फ मैंने मटेरियल चेंज किया है, इसके बाद ट्रेड की डिटेल्स मैं चेंज कर सकता हूँ, थिकनेस, प्रोफाइल, एवरीथिंग। यहाँ से मैं राइज़र की डिटेल्स चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी। तो पहले मैं सिर्फ मटेरियल को एडिट करता हूँ, एडिट करने के बाद मैंने ओके किया एंड देन यहाँ से ओके किया। सो वंस आई क्लिक ऑन ओके, आप जितनी भी स्टेयर देखेंगे ऑटोमेटिकली सभी स्टेयर का जो मटेरियल है वो ट्रेड का और राइज़र का, ये मेरा ट्रेड है और ये मेरा राइज़र है। यहाँ पे आप कंक्रीट देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप वुडन देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जो मेरा नॉइजिंग है इसका मुझे प्रोफाइल जो है ना वो बिल्कुल बेंड रखना है। बेंड कैसा, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेरी नॉइजिंग है वो राउंड है बिल्कुल, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ शार्प है, इस तरह की शार्प है। तो अगर मुझे ये बिल्कुल बेंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा फाइल पे, यहाँ से आपको जाना होगा न्यू पे और यहाँ से फैमिली पे। सो जैसे आप फैमिली पे जाएंगे, इंग्लिश करके आपको एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ जाना है और यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी प्रोफाइल स्टार स्टेयर नॉइजिंग, प्रोफाइल स्टेयर नॉइजिंग, इसे आपको ओपन कर लेना है। सो वंस यू क्लिक हियर एंड देन आपको इस तरह का एक फाइल मिलेगा। आप देखिए जहाँ प्रोफाइल बनानी है वो क्वाड्रेंट कौन सा है, ड्रॉ प्रोफाइल इन दिस क्वाड्रेंट, इस वाले क्वाड्रेंट में आपको प्रोफाइल बनानी है। ये मेरे ट्रेड का सरफेस है और ये मेरे राइजर का फेस है, मतलब मुझे यहाँ कुछ भी करना है यहाँ करना है। अब यहाँ से मेरी जो हाइट है टोटल नॉइजिंग की वो मुझे लेनी है 2 इंचेस, तो मैंने इसे बनाया, बनाने के बाद मैं हाइट दे देता हूँ यहाँ से, ये मैंने बनाया और ये मैंने बना दिया इस तरह से। अभी जो मेरी हाइट है ये मैं ले लेता हूँ 2 इंचेस और यहां से कुछ इस तरह की शेप मैंने यहां पे बना लिया है, यहां से लेके और यहां तक ये मेरी शेप है। बाकी का जो पोर्शन है वो मैं यहां से ट्रिम कर सकता हूं, ये मैंने ट्रिम कर दिया। अभी देखिए ये जो मेरा बेंड है ये बेंड मुझे वहां पे रखना है, तो इसे मुझे पहले सेव करना पड़ेगा, तो मैंने यहां से सेव किया, नाम दे दिया मैंने नॉइजिंग प्रोफाइल, नॉइज प्रोफाइल मैंने नाम दिया और सेव कर दिया। सेव करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि फ्यूचर में आप इसे एक्सेस कर पाएँ। मैंने लोड पे क्लिक किया और मेरी जो फाइल है वो है प्रोजेक्ट 1, तो मैंने ओके कर दिया। सो वंस आई क्लिक ऑन ओके, नाउ अभी आप यहाँ पे देखिए अभी भी वो है वैसा का वैसा है, तो मुझे रिप्लेस कराना पड़ेगा। सेलेक्ट कीजिए, एडिट टाइप में जाइए, यहाँ से कंस्ट्रक्शन में ब्राउज पे क्लिक करिए और यहाँ से नॉइजिंग प्रोफाइल करके अंडर ट्रेड आपको ऑप्शन मिलेगा नॉइजिंग प्रोफाइल, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से मेरा ऑप्शन है नॉइजिंग प्रोफाइल, मैंने ओके किया एंड देन जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो नॉइज इस तरह से आप मनचाहा शेप जो है वो अपना बना सकते हैं नॉइजिंग के लिए। उसके बाद गाइज अगर मैं यहाँ से मेरा स्ट्रिंजर को हाइड करता हूँ, लाइक मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, एक साइड से मेरा ओपनिंग है, तो मैंने एडिट किया, स्ट्रिंजर की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ मिलती है अंडर सपोर्ट, तो मैं लेफ्ट के अंदर स्ट्रिंजर को कर देता हूँ नन। जैसे मैंने अप्लाई किया ओके एंड देन यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा जो सपोर्ट है स्ट्रिंजर है वो यहाँ से हाइड हो गया। तो आप एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखेंगे कि जो यहाँ पे मेरा नॉइजिंग स्टाइल है यहाँ पे वो बिल्कुल शार्प दिख रहा है, कट दिख रहा है, बट मुझे यहाँ से भी इस तरह से राउंड दिखाना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अगेन एडिट में आना है, यहाँ से एडिट करना है और जो नॉइजिंग प्रोफाइल अंडर ट्रेड मैंने चेंज किया था उसके जस्ट नीचे आपको अप्लाई नॉइजिंग प्रोफाइल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप इसे कर सकते हैं फ्रंट लेफ्ट एंड राइट। तो मैंने दोनों तरफ दिखाने हैं, मैंने अप्लाई किया ओके किया और ओके करने के बाद सपोर्ट में जैसे मैंने लेफ्ट को हटाया था मैं राइट को भी हटा देता हूँ, यहाँ से मैंने राइट को भी हटा दिया, नन किया ओके। तो आप देखेंगे दोनों तरफ आपको स्ट्रिंजर नहीं मिलेंगे लेकिन जो मेरी नॉइजिंग है वो राउंड दोनों तरफ हो जाएंगी, यहाँ से भी राउंड हो चुकी है और यहाँ से भी राउंड हो चुकी है।
सो गाइज इस तरह से आप काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से स्टेयर की नॉइजिंग में चेंज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए अभी मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगेन मैं एडिट करता हूँ, यहाँ से कंस्ट्रक्शन के अंदर ऑप्शन कर रहे हैं हम, तो एडिट किया, देखिए मटेरियल हमने चेंज कर दिया, ट्रेड के अंदर मुझे ट्रेड चाहिए ही नहीं, ट्रेड क्या होते हैं, तो ट्रेड तो जहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया जो हॉरिजॉन्टल जगह होती है जहाँ पे आप पैर रखते हैं वो हमारा ट्रेड होता है, तो ट्रेड को तो आप हटा ही नहीं सकते। हाँ राइज़र को हम हटा सकते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि राइज़र होता ही नहीं वुडन के अंदर, या फिर वॉल के साथ में आपने बहुत जगह देखा होगा ट्रेड डायरेक्ट होता है, राइज़र नहीं होता है, तो उस तरह की चीज़ अगर आपको बनानी है सो बना करके आप जैसे ओके करेंगे एंड ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको राइज़र मिलेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको ट्रेड मिल रहा है। तो इस तरह से भी काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन जो हैं वो आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आप बना सकते हैं। अभी मैंने डुप्लीकेट नहीं किया है इसलिए जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सभी के अंदर हो रहे हैं, तो आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। लाइक मैंने अगेन एडिट किया, यहाँ से मैंने एडिट किया, यहाँ से मैं राइज़र को ऑन कर सकता हूँ और राइज़र की जो मेरी प्रोफाइल है उसे भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगा और ये मेरा ट्रेड हो गया, इतना ये पूरी डिटेल जो है इतना ओके हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है, देखिए नेक्स्ट इसमें आता है स्ट्रिंजर सपोर्ट। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में यहाँ पे स्ट्रिंजर हाइड हो रखे हैं, तो स्ट्रिंजर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने क्लिक किया। अभी यहाँ पे कैसा स्ट्रिंजर चाहिए आपको, क्लोज स्ट्रिंजर चाहिए मुझे राइट में भी और यहाँ से लेफ्ट में भी, और मैंने कर दिया ओके एंड ओके। तो आप देखेंगे जितना भी अभी ये विदाउट स्ट्रिंजर अपीयर हो रहा है तो हर जगह पे आपको स्ट्रिंजर जो है वो विजिबल होने लगेगा इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ वेरी इंटरेस्टिंग, विच इज़ कि जो स्ट्रिंजर अभी आपको लेफ्ट और राइट में दिख रहा है, मान लीजिए मैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा हूँ और एक टावर से दूसरे टावर के बीच में 6th फ्लोर से मुझे एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग को स्टेयर के थ्रू कनेक्ट करना है, तो उसमें मुझे बीम की ज़रूरत पड़ेगी, तो डिज़ाइनिंग के अंदर ये स्ट्रिंजर ही मेरे बीम का काम करेगा। कैसे करेगा, देखिए इसके लिए मैं दोबारा से स्टेयर पर जाता हूँ, मैं एक नई स्टेयर बनाता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्यों किया, ताकि मेरी एग्जिस्टिंग स्टाइल पर मतलब चेंज ना आए। न्यू एग्जिस्टिंग ये मैंने नाम दे दिया इसको, और डायरेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे एल शेप, तो मैं डायरेक्ट एल शेप ले लेता हूँ, ये देखिए। तो मिरर करना है मुझे तो मैं ऑफ कर देता हूँ, तो मेरा डायरेक्शन जो है वो बदल जाएगा, ये देखिए ये आ गया है। अब यहाँ पर मुझे इसके नीचे बीम सपोर्ट देना है, स्ट्रिंजर नहीं चाहिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है मेरा यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है इस तरह से। अभी देखिए ना तो यहाँ लेफ्ट में है ना राइट में है, स्ट्रिंजर दोनों तरफ नहीं है बट मुझे मिडल में देना है, तो मैं अभी के लिए मेरी रेलिंग को हाइड कर लेता हूँ। अभी इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। तो सबसे पहले तो मैं इसका स्टाइल बदल लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया इसे और यहाँ पर मुझे मोनोलिथिक चाहिए, तो ये मोनोलिथिक आ गया है, सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से अगर आपको सिंपल असेंबल वाली चाहिए तो सिंपल असेंबल वाली ले सकते हैं। अब सेलेक्ट करके एडिट करें और यहाँ से लेफ्ट और राइट दोनों को हटा दें, मैंने इसे भी नन कर दिया है और मैंने इसे भी नन कर दिया है, और यहाँ से मिडिल सपोर्ट को चेक कर लें और मिडिल सपोर्ट टाइप के अंदर जाएं तो आपको सारी स्ट्रिंजर की थिकनेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मटीरियल आप कैसा रखना चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा बीम रखना है तो मैं यहाँ से कॉन्क्रीट रख लेता हूँ, तो यहाँ से मैंने कंक्रीट ले लिया प्रीकास्ट ओके, और यहाँ से जो मेरी विड्थ है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से 8 इंचेस, ये मेरे बीम की विड्थ हो गई ओके एंड ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट से स्ट्रिंजर हट जाएगा और मिडिल में एक 8 इंचेस का आपको बीम जो है वो अपीयर होगा, तो ये आप देख सकते हैं। सो जस्ट आई क्लिक ऑन ओके, ये देखिए तो लेफ्ट और राइट से स्ट्रिंजर मेरा हट चुका है। अगर मैं यहाँ से बैक साइड से देखता हूँ इसको, ये देखिए तो जो बीम है वो इस तरीके से मेरा बीम जो है वो आपको अपीयर होगा, ये देखिए। इसके लिए मैं आपको इसका सेक्शन कट करके दिखाता हूँ। लाइक व्यू में हम गए और यहाँ पे मेरे पास सेक्शन है, तो मैंने सेक्शन लिया एंड देन मैंने क्लिक किया, तो अभी देखिए लेफ्ट का व्यू आ रहा है, तो इसमें मैं इसे कर लेता हूँ फ्लिप, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने साइड जो है मेरा फ्लिप कर लिया इस तरीके से। अभी आप देखेंगे तो आपको बीम जो है वो साफ यहाँ पे नज़र आएगा।
तो इस तरीके से आप स्टेयर के अंदर काम कर सकते हैं, मल्टी स्टोरी स्टेयर बना सकते हैं, स्केच स्टेयर बना सकते हैं, कंपोनेंट में आप काम कर सकते हैं, और रेलिंग के अंदर आप एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको स्टिंजर में काम करना है, राइजर्स, किसी भी तरह का एनीथिंग। तो यहाँ पे मैंने लगभग सभी ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश की है, और अगर कोई ऑप्शन फिर भी छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपकी कोई सर्टेन प्रॉब्लम है स्टेयर में तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं रेविट आर्किटेक्चर में, कैसे कंपनी के अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे प्रोफेशनल डिज़ाइन बनाए जाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड देन ट्रेनिंग से रिलेटेड डिटेल्स आप हमसे ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।